हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैली विद बिजनेस सर में। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे बॉम बिल ऑफ मटेरियल्स। जो हम आपको पिछले वीडियो में जॉब कॉस्टिंग की बात बताए हैं, जॉब कॉस्टिंग कैसे बनाया जाता है, पिछले वीडियो आप एक बार देखिए, जॉब कॉस्टिंग का वीडियो है। उसी का एक ऑटोमेटिक जॉब कॉस्टिंग के तहत यूज किया जाता है बॉम, मतलब ऑटोमेटिक सामान बनाया जाता है। ठीक है, तो वही चीजें हम इसमें से देखेंगे कि बॉम क्या होता है। ये भी मैन्युफैक्चरिंग का ही काम करता है और जॉब कॉस्टिंग भी मैन्युफैक्चरिंग बेस पे ही काम होता है। तो हम इसमें से समझेंगे कि बॉम का काम क्या होता है, बिल्स ऑफ मटेरियल क्या होता है, ये सारे चीजें इस वीडियोस में कवर अप करेंगे। टू द पॉइंट, टू द टॉपिक, क्वेश्चंस के साथ पूरा पूरा नोट्स बनाया हुआ है। आपको पता ही है हम शुरू से ही खुद का नोट्स बनाते हैं और इस नोट्स में देखिए आपको दिखाते हैं क्या क्या लिखा हुआ कि बिल ऑफ मटेरियल जो है वो पॉपुलर ऑप्शन, पॉपुलर किस नाम से जाना जाता है, तो बॉम नाम से, जो कि हम हेडिंग डाले हैं। ये बॉम के नाम से पॉपुलर है, बिल ऑफ मटेरियल इसका पूरा नाम है। ठीक है, यह एक बिजनेस में फंक्शन होता है या बिजनेस का की होता है, एक फंक्शन की होता है जिसके तहत हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, इन्वेंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। ठीक है, यह रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, असेंबलिंग, सब असेंबलिंग, पार्ट्स, यह सारे का काम करता है। तो हम बॉम में समझेंगे कि बॉम में कैसे कैसे बनाया जाता है। बॉम के यहाँ पे लिखा हुआ कि इसके पास चार टाइप्स के कंपोनेंट्स लिस्ट होते हैं। ठीक है, चार टाइप्स के रॉ मटेरियल, इसको आप रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं, जो कंपोनेंट्स लिखा हुआ है इसे आप रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं। तो ये क्या, कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, यही चारों हम लोग को समझना है। कंपोनेंट्स क्या होता है, तो कंपोनेंट्स किसी भी फिनिश गुड्स को बनाने के केस में सबसे मेन पॉइंट, सबसे कच्चा सामान ही कंपोनेंट्स कहलाता है, जिसके बेस पे हम लोग कोई भी फिनिश गुड्स को तैयार करते हैं वही कंपोनेंट्स कहलाता है। बाई प्रोडक्ट का काम हुआ कि फिनिश गुड्स बनाने के दौरान निकला हुआ वैसा सामान, निकला हुआ वैसा प्रोडक्ट, निकला हुआ वैसा आइटम जो उसी सामान को बनाने के केस में यूज किया जाता है, उसी फिनिश गुड्स में यूज किया जाए, वो बाई प्रोडक्ट कहलाता है। को प्रोडक्ट, जैसे को प्रोडक्ट का आप डिफिनेशन पूछें तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं कि किसी भी फिनिश गुड्स को बनाने के समय निकला हुआ या बना हुआ वैसा प्रोडक्ट जिसका एक मार्केट वैल्यू हो और उसे मार्केट में आसानी से किसी दूसरे काम के लिए यूज किया जा सके, वह को प्रोडक्ट कहलाता है। स्क्रैप के बारे में आप पहले से जानते होंगे कि स्क्रैप क्या होता है, तो स्क्रैप मेरा क्या होता है, यह एक ऐसा सामान होता है जिसको हम पुनः रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं, बिना रिसाइकल किए हुए यूज नहीं होता है, जैसा प्लास्टिक हो गया, कार्टून हो गया, ये सारे चीजें रिसाइकलिंग है, मतलब रिसाइकल करके पुनः उसको बना करके तभी यूज किया जा सकता है वो, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रैप, कचरा, कबाड़ी। हम देखें यहाँ पे कि बॉम्ब कैसे ऑन करता है, हाउ टू एनेबल बॉम्ब इन टैली RP9 लिखा हुआ है। स्टेप इस पे दो है, आप दोनों में से कोई स्टेप को फॉलो करके यूज कर सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली, प्रेस F12, अकाउंट या इन्वेंट्री इन्फो, एनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स, बॉम्ब को यस करेंगे और एक्सेप्ट ऑल करा लेंगे। आइए हम टैली में चलते हैं, टैली को देखते हैं। एक कंपनी पहले से मेरा बना हुआ है, बिल ऑफ मटेरियल बॉम। क्या करना है कि गेटवे ऑफ टैली पे आ गए और F12 बटन दबा दी। जैसे ही F12 दबाइएगा तो यहाँ पे आपको नजर आएगा अकाउंट एंड इन्वेंट्री। हम कुछ देर के लिए अपना माउस जो है इसको स्किप करते हैं क्योंकि टैली में माउस का काम नहीं होता, आपको पता होगा। तो हम माउस के इशारे से नहीं चलेंगे, कीबोर्ड के इशारे से आप ध्यान दीजिएगा। हम चले अकाउंट इन्फो पे। जैसे ही अकाउंट इन्फो में जाइएगा तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में जहाँ मेरा कर्सर पॉइंट जा रहा है यहाँ पे एक ऑप्शन है अनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स। तो इस डिटेल्स को हम लोग क्या करेंगे, यस। जैसे ही यस कीजिएगा और एक बार और इंटर दबाइएगा तो ये एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे भी बॉम्ब खुल जाता है। या फिर आपके नोट्स में देखिए दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, क्रिएट कीजिए चाहे अल्टर कीजिए किसको, स्टॉक आइटम को, और वो स्टॉक आइटम क्या होगा, फिनिश गुड्स, और उसमें F12 बटन दबाएंगे तो पुनः वही ऑप्शन खुल के आएगा। चलिए देखते हैं खुलता है कि नहीं खुलता है। गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम और क्रिएट पे क्लिक किए तो कोई भी फिनिश गुड्स का नाम डालते हैं, जैसे MOBILE मोबाइल, कोई भी कुछ भी, और यहाँ F12 बटन दबाएं तो देखिए यहाँ पे सबसे नीचे दिख रहा होगा अनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स, यस। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं। चलिए तो हम यहाँ दिखाते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग को 3 महीने, 4 महीने जो भी 20 गो 30 गो 50 गो वीडियोज होंगे टैली पे, वो 500 वीडियोस में हम लोग को क्वेश्चन ही पढ़ना है, हम लोग को एंट्री ही करना है, और जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ही बेटर होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन ही करना है। तो क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन दूसरे तरीके से मिला है आपको। स्टार्ट बिजनेस विद फॉलोइंग ओपनिंग स्टॉक। बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉलोइंग ओपनिंग स्टॉक, मतलब पहले से ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास,
उस स्टॉक के माध्यम से। क्या क्या है? एलईडी डिस्प्ले, चलिए हम बनाते हैं इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम और क्रिएट। फॉलोइंग स्टॉक के लिए क्या करते हैं, हम आइटम बनाते हैं, एलईडी डिस्प्ले, एलईडी बड़ा बड़ा लिखते हैं, एलईडी डिस्प्ले, ठीक है। इसका यूनिट क्या है, तो ये एलईडी डिस्प्ले का यूनिट है पीस, पीस बना हुआ है, पीस स्टार्ट किए। बम तो यस नहीं करना है, बम नहीं यस करना है। यहाँ पे ओपनिंग क्वांटिटी कितना दिया हुआ, 50 पीस 1800 रुपया पर पीस, यहीं पे ओपनिंग क्वांटिटी की एंट्री होती है और 1800 रुपया पर पीस की एंट्री करेंगे। एक दूसरा मेरा क्या है, बैटरी, बैटरी लिख लिए, ये भी पीस में होगा। इसका एक यूनिट देना था, देखिए भूल गया, फिर से देते हैं, कॉपी बना है क्या पहले से, बैटरी चलते हैं बैटरी के पास हम, और बैटरी में कितना था, तो बैटरी 50 पीस है, 1400 रुपया पर पीस। अगला क्या है, मेमोरी के बाद मेरा अगला क्वेश्चन आता है कैमरा, कैमरा मेरे पास कैमरा भी है, और कितना है, तो कैमरा भी मेरे पास 100 पीस है और रेट है कैमरे का 500 रुपया पर पीस, ठीक है। उसी तरीके से कैमरे के बाद आता है मेरे पास प्रोसेसर, ठीक है, तो हम प्रोसेसर भी चलते हैं, प्रोसेसर को लेके PROC क्या लिखी, प्रोसेसर पीस में बनेगा, प्रोसेसर का क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी कितना है, 50 पीस 1600, ठीक है। उसी तरीके से प्रोसेसर के बाद आपका आता है मदरबोर्ड, माइक्रोफोन, स्पीकर, मदरबोर्ड हो जाएगा, ये भी पीस के हिसाब से है, और 50 पीस 1700 रुपये, ठीक है। तो आप इस तरीके से इंक्रीज करेंगे, 50 पीस हो गया मदरबोर्ड के बाद, उसके बाद है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन भी पीस में है, ये भी 50 पीस होगा और माइक्रोफोन का प्राइस 400 रुपया है। उसके बाद माइक्रोफोन के बाद क्या है आपका, तो स्पीकर पैनल, SPEAKER 50 पीस 400 रुपया पर पीस, पैनल भी पीस में है, 50 पीस है, देखिए तो पैनल 50 पीस है, 600 रुपया पर पीस। एलईडी ब्लू पैनल, ब्लू पैनल भी मेरे पास है 20 पीस 700 रुपया, WHITE व्हाइट पैनल ये भी है मेरे पास पीस में, 20 पीस होगा और 700 रुपया पर पीस। देखिए मेरे पास पहले से ओपनिंग स्टॉक था ब्लैक, अच्छा व्हाइट लिख दिया क्या, ब्लैक और ब्लू था ना, सॉरी, देखे देखते हैं व्हाइट पैनल को हम चेंज कर लेते हैं, BLSC के ब्लैक पैनल है, चलिए हम चेंज कर ली। तो हम मेरा काम हुआ कि ये वाला काम कर ली। अब अगला क्वेश्चन आता है रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम CNF बिहार। CNF क्या होते हैं, ये हर स्टेट के होते हैं, और पांचवी से ऑर्डर किया सैमसंग मोबाइल। तो सैमसंग मोबाइल मान लीजिए ऑर्डर किए, तो CNF बिहार का हम एक पार्टी लेजर बनाएंगे, हम रिसीव करेंगे, क्या रिसीव करेंगे, सैमसंग, तो SAMSUNG सैमसंग मोबाइल का लेजर बनाएंगे, पीस में बनेगा, ठीक है। अब पीस में बनेगा तो अब यहाँ पे आकर के देखिए, हम यहाँ गए बोले कि इनका लेजर एक बनाएंगे, इनके पास CNF बिहार, ये क्या होगा, तो संडिडेटर होंगे मेरे, एक सेल्स करना है तो एक सेल्स का लेजर बनाएंगे, उसके बाद बन गया। रहा बात हमको ऑर्डर लेना है, तो हमको ऑर्डर वाउचर ऑन करना होगा, पिछले वीडियो में आप ऑर्डर वाउचर देखिए, ऑर्डर वाउचर का वीडियो बना हुआ है, F11 F2, और यहाँ पे जाएंगे बोलेंगे कि सेल ऑर्डर को क्या कीजिए, यस कीजिए, और डिलीवरी नोट
रिसिप्ट नोट को भी एसपी से। ठीक है, हमें यहाँ का बोले कि एक्सेल ऑर्डर लेना है तो अल्ट के साथ फाइव बटन पर किन से लेना है तो सीएनएफ बिहार से। चलिए ऑर्डर नंबर वन सेल का ऑर्डर है, क्या लेंगे हम तो यहाँ पे सारे चीजें दिख रहा है। तो सैमसंग मोबाइल वो ऑर्डर किए हैं कितना रुपया, 5 पीस ही। ठीक है, रेट तो कुछ है नहीं, तो इसके लिए भी एक सेटिंग पढ़ाए होंगे आप लोग को F11 F2 का, जिसमें होता है कि जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, ये दिख रहा है एनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसे यस करना पड़ता है देन ही हम इसे एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो चलिए हम एक्सेप्ट करा दिए, तो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन क्या है, रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम सीएनएफ बिहार फॉर 5 पीस सैमसंग मोबाइल। अगला है कि सैमसंग मोबाइल जो हम ऑर्डर लिए उसका रॉ मटेरियल क्या है, उसमें क्या क्या लगेंगे, ये सारे चीजें कैसे बनता है। तो ये सारे चीजें के लिए आपको क्या करना होगा, फिनिश गुड्स बनाने आना चाहिए। तो फिनिश गुड्स बनता कैसे है, तो फिनिश गुड्स देखिए इसी स्टेप में लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं, अगर क्वेश्चन होंगे तो फिनिश गुड्स में लिखा हुआ होगा। अच्छा नहीं लिखा हुआ तो देखिए हम आपको दिखाते हैं कि फिनिश गुड्स कैसे बनता है। तो इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे और फिनिश गुड्स बनाएंगे। तो बना हुआ पहले सैमसंग मोबाइल तो हम अल्टर करेंगे, अल्टर करने के बाद जाएंगे सैमसंग मोबाइल के पास और यहाँ पे हम इसको अल्टर करेंगे और बोलेंगे सेट कंपोनेंट डील्स यस। जैसे ही यस कीजिएगा तो यहाँ पे पूछेगा तो क्या है मेरा, तो सैमसंग मोबाइल लोक मतलब नॉर्मल है सैमसंग मोबाइल। ठीक है, हम ले लिए। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, कितने पीस का बनाना है, तो एक ही पीस का यूनिट दिया हुआ था, उसमें क्या है तो बैटरी है, बैटरी कौन टाइप है, कंपोनेंट्स है 1 पीस। उसके बाद यहाँ पे आता है बैटरी हो गया, उसके बाद कैमरा, कैमरा 2 पीस है। देखिए वहाँ आप क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेने के बाद ही लिखिए, बैटरी कैमरा स्टोरेज जो भी है आप शुरू से ही हम देते चले जा रहे हैं। उसके बाद LED डिस्प्ले है, ये भी 1 पीस है। उसके बाद मेमोरी है, मेमोरी भी 1 पीस है। उसके बाद माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन भी 1 पीस है। सॉरी थोड़ा सा आप ध्यान दे करके बनाएंगे तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। माइक्रोफोन के बाद मदरबोर्ड है, ये भी 1 पीस है। उसके बाद पैनल है, नॉर्मल पैनल। उसके बाद प्रोसेसर है 1 पीस। उसके बाद स्पीकर है 1 पीस। यहाँ तक तो दिख गया। अब दो गो चीज बढ़ रहा है कि आप प्लास्टिक और वीडियो, तो प्लास्टिक का एक लेजर बनाएंगे, प्लास्टिक सॉरी लेजर बोल रहा है आइटम, और इसका यूनिट क्या होगा केजी करके बना लीजिए यूनिट में, और यहाँ केजी में दिमाग रखिएगा, प्लेस वैल्यू डालिएगा दो, क्योंकि ये आपको कोई बताने वाला नहीं है वीडियो एक पीस, ये आपको रेट खुद से लेना होगा। यहाँ पे बोलेंगे को प्रोडक्ट है ये, क्योंकि वीडियो तो बना हुआ है, बना है तो इसको मार्केट वैल्यू यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, किसी तरीके का काम में यूज कर सकते हैं। तो एक पीस बनेगा वीडियो, इसका 1% का रेट होगा। एंड ऑफ लिस्ट कीजिए, एक्सेप्ट करा दीजिए। ये मेरे कंपोनेंट लिस्ट हो गए, उसके बाद आपको जाना होगा भाउचर में, भाउचर खोलिए, अल्ट F7 बटन दबाइए और बॉम को खोल लीजिए। क्या बनाना है तो सैमसंग मोबाइल। देखिए अगला क्वेश्चन है ना यहाँ पे, मैन्युफैक्चर 5 पीस सैमसंग मोबाइल एंड डिलीवर, तो 5 पीस बनाएंगे। तो 5 पीस बनाना है तो क्या चूज करेंगे, सैमसंग मोबाइल। देखिये सैमसंग मोबाइल का सारा चीज आ गया, कितना पीस बनाना है, 5 पीस, सब कुछ बन गया। यही फायदा है बिल ऑफ मटेरियल का, ठीक है, सब कुछ आ गया ऑटोमेटिकली और दिखा रहा है कि एक पीस का कीमत कितना हुआ, 9,933.75 रुपया है। ये आपको कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रखना होगा, 9,933.75 रुपया। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक तो कर लिए, पेमेंट हो गया मतलब सामान बन गया, डिलीवर करना है क्योंकि क्वेश्चन याद दिया ना, डिलीवर CNF को कीजिए, CP+CP का 10%। डिलीवर कैसे होता है, Alt+F8 किसको करना है, CNF बिहार को, ऑर्डर नंबर 1 और एक्सेप्ट कर दिया, यही देना है और 5 पीस तो कितना था, 9,000
9,93.70 रुपया मान लीजिए एग्जाम्पल वहां पे जो था वो ठीक है गुना 10% का फायदा चाहिए तो 110% इंटर दबा दीजिए। यही रेट से हमको डिलीवर करना है, बन गया डिलीवर कर दिया। डिलीवर करने के बाद अब बात आती है कहाँ पे कि अब सेल्स बिल बनाइए डिलीवरी नोट का। तो हम चले एफेट में, किसके बनाना है तो सीएनएफ बिहार का एक नंबर के बेस पे, और सेल्स हो गया कुछ नहीं करना है। जैसे ही इन्वेंटरी इन्फो खोलिए और स्टॉक आइटम खोलिए, किसको अल्टर कीजिए तो सैमसंग मोबाइल को जो आप खोल रहे थे, और यहाँ पे आपको जाकर के बीम बॉम जैसे ही यस कीजिएगा तो यहाँ सैमसंग मोबाइल है ना, डाउन एरो की बोलिए और बोलिए को हमको वाइट चाहिए, वाइट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए यहाँ राइट साइड में दिख रहा होगा कॉपी बॉम, क्लिक कीजिए और बोलिए हमको सैमसंग मोबाइल का कॉपी करना है। ठीक है, सब कुछ आ गया। अब इसमें हम लोग को बदलना क्या था तो केवल पैनल, तो पैनल के पास चले जाइए। आप पैनल में क्या कीजिए, हमको नॉर्मल पैनल नहीं चाहिए, हमको वाइट पैनल चाहिए। तो वाइट पैनल है इसमें, वाइट पैनल तो नहीं था, अच्छा सॉरी ब्लैक पैनल है, ब्लैक ब्लू पैनल, ब्लू पैनल। तो यहाँ नाम बदलिए पहले, वहां जाके ब्लू पैनल करना होगा, BLUE ब्लू। ठीक है, तब ब्लू पैनल हो गया, बन गया ये सामान। उसी तरीके से एक और सामान है, देखिए ब्लू पैनल के बाद ये व्हाइट लिखा गया है, इसको आप ब्लू कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा इसको व्हाइट, तो इसको व्हाइट कर लीजिए, जो भी लिखना है आपको लिख लीजिए व्हाइट। हम यहाँ पे ब्लैक लिख लेते हैं क्योंकि सामान आइटम हम ब्लैक पैनल से बना लिए हैं, तो आप ब्लैक लिख सकते हैं। कॉपी बॉम कंट्रोल सी, किसका तो ब्लू का ही कॉपी कर लीजिए, और जहाँ ब्लू पैनल है वहाँ ब्लैक पैनल डाल लीजिए। तो ये अपने ऊपर निर्भर कर सकते हैं, आप एक्सेप्ट कराइए, बन गया। अब जैसे जैसे बनाना है सामान तो हम जाएंगे वाउचर खोलेंगे, बोलेंगे कि सामान यहाँ पे बनाना है, तो बनाना है तो Alt+F7, बॉम क्या बनाना है तो सैमसंग मोबाइल। तब खुद ही यहाँ पूछेगा कौन सा बनाइएगा, तो हमको ब्लैक बनाना है। तो देखिए ब्लैक पैनल यहाँ जुड़ गया, यहाँ देखिए ब्लैक पैनल, तो आप यहाँ कितना पीस, 5 पीस, देखिए 5 पीस बन के रेडी हो गए। हमको नहीं सैमसंग ही मोबाइल बनाना है, लेकिन अब की बार ब्लैक नहीं, तो Alt+F7 कीजिए, बॉम को यस कीजिए और यहाँ बोलिए हमको सैमसंग मोबाइल बनाना है, कौन सा तब की बार ब्लू। देखिए यहाँ ब्लू बदल गया, यहाँ कर्सर देखिए, 5 पीस लिखिए, 5 पीस बन गया। ये क्वेश्चन